हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बिहार एस्टेट की परीक्षा कब होगी? आप लोगों ने फॉर्म भर दिया, फिर से जो है विंडो को ओपन किया गया और फिर से दो बार तीन बार जो है इसे री ओपन किया गया, डेट को भी बढ़ाया गया, लेकिन अभी तक जो है एग्जाम की कोई सूचना नहीं है। पहले बताया गया था कि फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च में एग्जाम आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा, लेकिन आज 19 तारीख हो गई और एज ऑफ नाउ देयर इज अ नो न्यूज़। कोई भी न्यूज़ अभी तक नहीं आई है। तो क्या मैंने यहाँ पे जो थंबनेल में लिखा है पढ़ाई शुरू कर दो, इसकी वजह क्या है? तो देखिए, पढ़ाई तो ऑब्वियस सी बात है आपको करना ही होगा। एज ए एस्पिरेंट आपको हमेशा से जो है प्रोएक्टिव रहना होगा। कल या परसों एग्जाम हो तो भी आपको एग्जाम देने के लिए तैयार रहना होगा। मैंने सिर्फ इसीलिए ये बात नहीं लिखी है, इसके पीछे सोर्स के हवाले से जो खबर आ रही है उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले जान लो कि एग्जाम जब भी कंडक्ट होगा, सबसे पहले बीपीएससी TRE 3.0 का जो एग्जाम चल रहा है एज ऑफ नाउ वो खत्म होगा, उसके बाद ही एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात, 9-10 का पेपर अभी तक नहीं हुआ है, ना ही 11-12 का पेपर अभी तक आपको देखने को मिला है। तो ऐसे में बीपीएससी TRE जो है एग्जाम अभी कंडक्ट होगा, उसके बाद ये होगा। अब देखो 6-8 के लिए भी जो है समस्या आ गई है कि 6-8 का पेपर कैंसिल, 99% चांसेस है कि ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आप लोग बीपीएससी की वेबसाइट पे ध्यान रखें और जैसे ही न्यूज आएगी डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो और आपको मैं जानकारी दूंगा कि रद्द हुआ है अथवा नहीं। एज ऑफ नाउ तो बीपीएससी की ओर से जो है बताया गया कि ये रद्द करने का को जो है ठोस कोई सबूत जो है साक्ष्य इनको नहीं मिला है, तो ऐसे में ये अभी रद्द नहीं कर रहे हैं। खैर, इन फ्यूचर क्या होता है वो देखा जाएगा। इन्होंने जो है पुलिस विभाग से जो है सबूत मांगे हैं कि आप जो है कॉन्क्रीट एविडेंस दो, तब हम लोग कुछ जो है कदम लेंगे। अब यहाँ से देखो जो TRE की बात हो रही है उसके बारे में, तो देखिए रजनीश कुमार हैं, पत्रकार हैं और ये शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जो भी खबर होती है उसको ये दिखाते हैं। यहां से आप देख पाओगे डीएलएड की परीक्षा को लेकर सभी को जानकारी होगी कि 30 मार्च से डीएलएड की परीक्षा शुरू होगी। वहीं एस्टेट की परीक्षा को लेकर इंतजार में बैठे परीक्षार्थियों से जुड़ी खबर ये आ रही है कि इस महीने में नहीं होगी एस्टेट की परीक्षा। इस महीने यानी कि इस महीने की किसके बारे में बात यहाँ पे की जा रही है? मार्च वाले महीने की बात यहाँ पे की जा रही है। आगे देख लेते हैं। अब एस्टेट की परीक्षा अप्रैल के अंत में जो है शुरू होगी, यानी कि अब जो है अप्रैल के शुरुआत में भी नहीं, मिड में भी नहीं होगा, ये अब सबसे लास्ट में होगा। मतलब कि दोनों एग्जाम जो है इस बार बड़ी तादाद में, ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे अभ्यर्थी शामिल होंगे, तो इतना आप जान लो कि पहले जो है अब डीएलएड की परीक्षा जो है उसे कंडक्ट कराया जाएगा। पहले तो आप देख लो 9-10 और 11-12 के पेपर पहले कंडक्ट कराए जाएंगे। अगर 6-8 भी जो है रिशेड्यूल होता है तो ये तीनों पेपर कराए जाएंगे और 1-5 का भी अगर पेपर हुआ है तो वो भी। उसके बाद जो है डीएलएड की जो इंट्रेंस वाली एग्जाम है उसे लिया जाएगा एंड आफ्टर दैट इसके बाद आखिरी में जो है एस्टेट की परीक्षा ली जाएगी। लेकिन आप लोग पढ़ाई में जो है व्यस्त रहिए, क्योंकि अगर आपका 9-10 का एग्जाम अगर 5 अप्रैल को, जो कि प्रस्तावित है सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 5 अप्रैल को जो है 9-10 का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, तो ऐसे में तैयार रहें। ये एग्जाम देने के बाद आप जो है कभी भी एस्टेट की हो तो आप तैयारी में लगे रहेंगे। अगर आपका 11-12 है तो 11-12 के परीक्षा के बाद जो है एक्चुअली 9-10 और 11-12 तो वही परीक्षा दे रहे हैं जिनका एस्टेट हो चुका है, तो ऐसे में 6-8 वाले तैयारी में आप लगे रहें और जो कॉमन पेपर है तो सभी का तो एक ही है। खैर, जो भी खबर आएगी उसकी सूचना आपको दी जाएगी। वीडियो आपने यहां तक देखी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।